हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं जावेद हबीब के सलोन में हेयर बोटॉक्स का ट्रीटमेंट कराने के लिए, साथ ही साथ एक बढ़िया सा हेयर कट करने के लिए। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी ड्राई हो गए हैं, बिकॉज मैंने अपने बाल को कलर भी किया था और बहुत ही ज़्यादा डेड लग रहे हैं। सो यहाँ पे हम पहले करने वाले हैं हेयर कट, और उसके बाद हम करने वाले हैं हेयर बोटॉक्स का ट्रीटमेंट, जो कि स्पेसिफिकली किया जाता है डैमेज्ड हेयर, फ्रीजी हेयर को रिपेयर करने के लिए। और अगर आपके हेयर में वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा डेड है, देन दिस इज़ द ट्रीटमेंट विच कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो कट के बाद में मेरे बाल कुछ इस तरह से दिख रहे हैं एक अच्छे से हेयर कट के बाद में, और इसके बाद में हम हेयर बोटॉक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी मेरे बालों की कंडीशन ये है, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फ्रीजी है, डेड है, शाइन नहीं है, बिल्कुल एकदम ड्राई और फ्रीजी लग रहे हैं। सो अब ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बाद कैसे लगेंगे, इसका रिजल्ट कैसा होगा, इसकी कॉस्ट क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस व्लॉग। के इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस व्लॉग। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, ऐसे डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो अभी इन्होंने पहले मुझे जो है एक हेयर वॉश दिया बढ़िया सा। अब ये हेयर वॉश भी इसीलिए दिया जाता है ताकि जो डर्ट हो बालों में और जो क्यूटिकल्स है बालों के, उनको कवर किया जा सके और अच्छे से जो डर्ट है या कोई भी चीज़ है वो अच्छे से रिमूव किया जा सके। सो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्होंने एक बढ़िया सा हेयर वॉश दिया। इसमें इन्होंने कंडीशनर नहीं अप्लाई किया है, एक अच्छा सा हेयर वॉश दिया है और थोड़ा देर के लिए मास्क लगाकर छोड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, मतलब काफी सॉफ्ट हो जाते हैं क्या? ये सही होता है, क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है जिसकी वजह से आपका क्यूटिकल जो है ना वो ओपन रहता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट अंदर जाता है। ओके, नॉर्मल शैम्पू से सिर्फ आप वॉश कर सकते हो या तो फिर आप जो भी ऑयल वगैरह निकाल सकते हो, ये डीप ही ओपन करता है। ओके, ये क्यूटिकल से ओपन करने में हेल्प करता है। तो जो भी ट्रीटमेंट वगैरह का हम लोग इसी पे ये शैम्पू यूज करते हैं एंड 5 मिनट्स रहते हैं सो दैट क्यूटिकल अच्छे से ओपन हो। ओके, देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट। सो ये जो प्रोसीजर है वो ओपन हेयर क्यूटिकल को कवर अप करने के लिए किया जाता है ताकि ये एब्जॉर्ब ना करे स्काल्प में और इसका जो इफेक्ट है वो बेटर आए। सो अब हम करने वाले हैं प्रोडक्ट यूज़। यहाँ पे उन्होंने मेरे हेयर को ब्लो ड्राई किया और उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया। जो हेयर प्रोडक्ट है, इट इज़ मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, कोलेजन, कंपाउंड लिपिड्स एंड विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन B5। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और ये अब इन्होंने जो है मेरे हेयर पे अप्लाई करना स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरह से पार्टीशन कर दिया गया है और पार्टीशन करके जो है ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे एंटायर हेयर में लगने वाला है। सो ऐसे पार्ट बाय पार्ट जो था एंटायर हेयर में उन्होंने ये एप्लीकेशन इस तरीके से लगाया और हर एक हेयर को इन्होंने कवर अप किया है। सो इनका जो प्रोसीजर है लगाने का वो भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसे एप्लीकेशन किया गया है, और इसके बाद जो है एटलीस्ट एन आवर आपको ये एप्लीकेशन लगा के रखना है। सो यहाँ पर जावेद हबीब में आपको एक एनुअल पैकेजेस भी मिल जाएगी। आपको देखेगी कि आप इस तरह से जो है एनुअल पैकेज लेके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी पर्टिकुलर पैकेज लेके डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे सलोन में जो है चीज़ें करवा सकते हो। सो इस तरीके से जो है यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन एक एक हेयर को लगाया और इस तरीके से जो है बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है ये प्रोसीजर किया। और इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, एटलीस्ट 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो जब भी आप ये हेयर बोटॉक्स करने के लिए आओ तो आप टाइम देकर आओ। साथ ही साथ यहाँ पर हेयर स्काल्प फेशियल भी था, तो ये मैंने देखा। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको एंटी डेंड्रफ की प्रॉब्लम है। अब इन्होंने इस तरीके से जो है कवर अप कर दिया और उसके एक घंटे बाद जो है इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसे हेयर वॉश किया। इसके बाद इन्होंने मेरे हेयर को ड्राई किया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही थी अपनी चाय, साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो इन्होंने मेरे लिए सैंडविच ऑर्डर किया। अगर आपको बहुत लेट हो गया है तो आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, आप खा सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं अपना सैंडविच खाते हुए और साथ ही साथ जो है जो यहाँ के ब्यूटिशियन थे या स्टाफ थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। सो वो अपना काम कर रहे थे और मैं अपना मील इन्जॉय कर रही थी। इसी के साथ साथ इन्होंने मेरे हेयर को फिर से ड्राई किया। सो ये प्रोसीजर सीरियसली गाइस बहुत लंबा था और बहुत टायरिंग भी था।
अच्छी तरीके से जो है इसे एक एक जगह से इसको सारे बालों को जो है वो ड्राई किया गया। इसके बाद में इन्होंने दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने मेरे हेयर को जो है आयनिंग की। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर को एक एक हेयर के पार्ट्स को लेके पार्टीशन करके अच्छी तरीके से इसे जो है आयनिंग की जा रही है। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आयनिंग होगी उतने अच्छे तरीके के रिजल्ट में आपको एंड रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक एक पार्ट को लेके आयनिंग करी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब आप आयनिंग कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल विथ योर ईयर्स एंड ऑल, जहाँ से भी आप यू नो आयनिंग वो करते हैं तो आपको थोड़ा बचा के करनी है। तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने आयनिंग करी और थोड़ा आपको है ना स्ट्रेच लगता है, थोड़ा आपको ऐसा स्ट्रेच फील होता है जब ये आयनिंग करते हैं बालों में, बट ओवरऑल इट वॉज नाइस प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की कि इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है। सो अगर आपके हेयर जो है मेरे जितने हेयर है शोल्डर तक हेयर है कट करने के बाद, तो दे चार्ज मी 9,000 रुपीज़ फॉर दिस एंटायर प्रोसीजर। और अगर आपके बाल थोड़े बड़े हैं देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, जो आपकी लेंथ है उसके हिसाब से जो है वो आपको कॉस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके बाल मेरे जितने हैं तो दे चार्ज मी 9,000 रुपीज़ फॉर दिस प्रोसीजर। सो अब स्ट्रेट करने के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं। और इसके बाद फिर से इन्होंने जो है हेयर वॉश किया बहुत अच्छी तरीके से, और हेयर वॉश करने के बाद में इन्होंने फिर से मेरे बाल को अच्छे से ड्राई किया। सो ये जो प्रोसीजर है इसका एंड रिजल्ट अब आपको देखने के लिए मिलेगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो ये था एंड रिजल्ट, लुक एट दी हेयर गाइज, बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी फ्रीजी फ्री और बहुत अच्छे लगे मुझे सीरियसली। पीछे से आप देख सकते हो वॉल्यूम भी दिख रहा है मेरे बालों में, मेरे बालों का जो हेयर कलर है वो भी उठ के दिख रहा है, एंड इट इज़ लुकिंग डैम स्मूथ नाइस फ्रीज फ्री और बहुत ज़्यादा फ्रीज फ्री है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप वॉल्यूम भी देख सकते हो और मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये फ़िलहाल में तो जो मेरा रिज़ल्ट था एंड रिज़ल्ट था, आई एम वॉज वेरी हैप्पी विद द एंड रिज़ल्ट। और अब ये रहने वाले हैं कुछ 3 से 6 महीने के आसपास रहते हैं, कि डिपेंड है कि आप किस तरह से जो है केयर करते हो अपने बालों की। तो एंड रिज़ल्ट के बाद हम 3 से 6 महीने बाद भी देखेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे रहने वाला है बालों में। बट दिस इज़ माई एंड रिज़ल्ट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। सो गाइस, इस हेयर को मेंटेन करने के लिए, इस ट्रीटमेंट को मेंटेन करने के लिए आपको जो है एक स्पेशल टाइप का शैम्पू यूज़ करना होता है जो कि पैराबेन फ्री हो और सल्फेट फ्री हो। सो इन्होंने मुझे केरा केयर का शैम्पू दिया है, मास्क दिया है और साथ ही साथ सीरम दिया है। एंड कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।